नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई का मौसम कुछ ऐसा होता है कि चार महीने जमकर बारिश होती है, उसके आगे पीछे मौसम ठंडा हो या गर्म, पर बारिश के दर्शन दुर्लभ होते हैं। लेकिन आज शाम जब बारिश की फुहारें पड़ी तो मुंबई के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मार्च के दूसरे हफ्ते में अचानक आई रिमझिम फुहारों ने मुंबई का मिजाज बदल कर रख दिया। पिछले दो दिन से मुंबई से गर्मी गायब है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसा ही मौसम बना हुआ है। केरला के पास डिप्रेशन बन गया था, ये डिप्रेशन उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, लेकिन और ये कमजोर हो रहा है, लेकिन ये कमजोर होकर अरेबियन सी के सेंट्रल पार्ट्स में आ जाएंगे। सो इसी समय उधर इलाके में, नस्तिक इलाके में रेनफॉल हो रहा है। अभी साउथ कोंकण में, गोवा एरिया में बारिश हुआ है, और साउथ मध्य महाराष्ट्र और साउथ कोंकण में एक और दो जगह बारिश हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गोवा और दक्षिण कोंकण, जिसमें रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग का हिस्सा आता है, वहाँ पर अभी और बारिश होगी। अभी तो फिलहाल कुछ राहत है और ये राहत शायद कल तक भी बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मार्च के महीने में गर्मी मुंबई के लोगों को झेलनी पड़ती है, वैसे ही गर्मी वापस एक बार शुरू हो जाएगी। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या, मुंबई आज तक। और हम बात करेंगे कोलाबा से सीप्स तक बन रहे मेट्रो 3 का काम जोरों शोरों से चल रहा है। मुंबई मेट्रो का ये पहला अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। करीब 33 किलोमीटर लंबी इस लाइन के चालू होने के बाद माना यह जा रहा है कि मुंबई की सड़कों से करीब 4.5 लाख वाहन कम हो जाएंगे, अंदाजा लगाइए आप। और मुंबई के जो लोग हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी जैम से। मुंबई में जमीन के 22 मीटर नीचे दिन रात मेट्रो की 3 लाइनों के लिए काम चल रहा है, वो मेट्रो 3, जिसके चालू होने से लाखों मुंबईकरों को राहत मिलेगी। कोलाबा से सीप्स तक ये लाइन करीब 33 किलोमीटर लंबी है। 4.5 लाख व्हीकल कम होंगे रोड पर हमारी लाइन कमीशन होने से, जो कि जब कमीशन होगी तो इसमें 14 लाख पैसेंजर पर डे ट्रेवल करेंगे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुंबई शहर के 22 मीटर नीचे, जहाँ पे मुंबई शहर का ट्रांसपोर्टेशन या फिर हम कहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नया रूप धारण कर रहा है। हमने हमेशा देखा है कि मुंबई शहर के रास्ते जो है वो ट्रैफिक से भरे हुए हैं। मुंबई शहर के हम लोकल ट्रेन की बात करें तो लोकल ट्रेन भी जो है वो भीड़ इतनी रहती है कि लोगों को उसमें सफर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मुंबई शहर को चाहिए एक नया ट्रांसपोर्टेशन, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जो वहाँ पे हम फिलहाल खड़े हैं ये है मुंबई मेट्रो लाइन 3। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, ये कई इंटरचेंज पॉइंट को कनेक्ट करेगी, जैसे CST, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, BKC, मरोल, दोनों एयरपोर्ट्स। ये मेजर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। ये लाइन जो अभी वेस्टर्न रेलवे की और सेंट्रल रेलवे की लाइन है, इनके लिए एक अल्टरनेट का काम करेगी, तो उन लाइनों पे भी इसकी वजह से ट्रैफिक में कमी आएगी। हर दिन मेट्रो के लिए 20 मीटर खुदाई की जाती है। प्रोजेक्ट की कुल कीमत 23,136 करोड़ रुपए है, जिसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने सॉफ्ट लोन दिया है। बाकी फंडिंग केंद्र और महाराष्ट्र सरकार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि मेट्रो लोकल की तरह बारिश में ठप नहीं पड़ेगी, अंडरग्राउंड होते हुए भी नीचे पानी नहीं घुसेगा। ये इस सिस्टम की ब्यूटी है कि जब फ्लडिंग में, हैवी रेन्स में और सिस्टम बंद हो जाते हैं, ये सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि हम डिजाइन के टाइम पे वो सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं कि किसी भी वजह से सिस्टम के अंदर पानी नहीं जाए। सिस्टम के अंदर पानी कहाँ से जा सकता है? हमारी जो एंट्री है, जो हमारी ओपनिंग है, पानी वहीं से अंदर जा सकता है। वो हमारे जो ओपनिंग्स हैं वो हमेशा इस तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं कि वाटर लेवल से ऊपर रहें और सफिशियंट मार्जिन हो, जिससे कि कोई भी पानी अंदर नहीं जा पाए। तो हमारे ट्रैक पे किसी भी सिचुएशन में कभी भी पानी नहीं होगा और हमारी ट्रेन सर्विसेज चलती रहेंगी, जबकि दूसरे सिस्टम उस टाइम पे स्टैंडस्टिल हो जाते हैं। परिवर्तन हो रहा है मुंबई में, मुंबई की भीड़ में आज अगर कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आगे आने वाले कुछ दिनों में जो है उसको इस मेट्रो के माध्यम से जो है वो एक रिलीफ मिल सकता है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मयूरेश गणपते, मुंबई आज तक। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक बड़ी ही फिल्मी सी घटना हुई है।
पुलिस किडनैपिंग केस में एक गैंग का पीछा कर रही थी। गैंग के 3 सदस्य भाग निकले लेकिन एक आरोपी नाले में गिर पड़ा और पुलिस की पकड़ में आ गया। अपहरण के आरोपी सैयद असलम खान को एक नाले ने जेल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक अपने साथियों के साथ मिलकर असलम ने ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले नरेश रमानी का अपहरण किया था। फिरौती के 25 लाख वसूलने जब असलम साथियों के साथ पीड़ित के घर के नजदीक पहुंचा, तो वहां पुलिस को देखकर सारे साथी भाग खड़े हुए, जबकि असलम नाले में गिर गया। रेस्ट एक्टिव जो है उसके पास से वो कौन से गैंग के लिए काम कर रहा था, इसके पहले उसने कौन से एक्सट्रॉशन मामले उसके ऊपर दर्ज है या उसकी छानबीन हम कर रहे हैं, और इसके साथ में उसने वेपन यूज किया हुआ कंप्लेंट में मालूम पड़ा है, जैसे कि एक पिस्टल और चाकू, उसके बारे में हम लोग आगे की तहकीकात कर रहे हैं। ये घटना उल्लासनगर के शहाद रेलवे स्टेशन के पास की है। अपहरण केस के 3 आरोपी फरार है। पुलिस की माने तो ये गैंग थाने में ऑपरेट करता है। गैंग शिकार को मौका देखकर जबरदस्ती गाड़ी में डाल लेता है और फिर परिवार से फिरौती वसूल करता है। थाने एंटी एक्सटॉर्शन सेल इसमें पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये किस गैंग का इसमें हाथ है, कौन सी गैंग यहाँ पर अब एक्टिव हो गई है जो कि लोगों को किडनैप करके एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रही है। थाने से कैमरा पर्सन वैभव कलरुटकर के साथ दिवेश सिंह आज तक। और अब हम बात करेंगे मुंबई तक की। जी हाँ, मुंबई की हर खबर सबसे पहले देखिए मुंबई तक में, जिसे देखने के लिए आज ही इसे आप सब्सक्राइब कीजिए मुंबई तक। मुंबई तक देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इन सभी लिंक्स को। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानने के लिए आप डाउनलोड करिए आज तक एप्लीकेशन, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.aajtak.in पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।